वेलकम टू यूनिकॉर्ब स्कूल। इस वीडियो के अंदर हम लोग ये जो थीम है इसको कैसे कस्टमाइज करते हैं वो देखेंगे, ठीक है। बीमबार भाजल मैगजीन वर्डप्रेस थीम, ठीक है। ये वर्डप्रेस का एक थीम है, तो इसको कैसे कस्टमाइज करते हैं वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले ये जो थीम है इसको हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। तो अभी जो हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं हमारा इस वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल करेंगे। इसको अगर हम लोग न्यू टैब ओपन करके यहाँ पर देखते हैं तो हम लोग यहाँ पर देख सकेंगे कि हमारा जो वेबसाइट का डिज़ाइन है अभी के लिए कैसा है वो हम लोग आपको दिखा देते हैं। ये जेनरेट पेस थीम से बना हुआ डिज़ाइन है, ठीक है। तो मैंने इसको बनाया है, अभी हम लोग इस थीम को यूज़ करने वाले हैं और इस थीम को कस्टमाइज़ करके आपको दिखाने वाले हैं कैसे कस्टमाइज़ वगैरह करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इंटरनेट स्लो, इसलिए यहाँ पर मेरा साइट लोड नहीं ले रहा है। कोई बात नहीं, हम लोग थीम को इंस्टॉल करते हैं। थीम को इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर अपायरेंस से हम लोग थीम सेक्शन के अंदर जाते हैं। अपायरेंस से थीम सेक्शन के अंदर आने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जेनरेट पेस थीम हमारा एक्टिव है और इसका डिज़ाइन अभी लोड ले चुका है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो इस तरह का इसका डिज़ाइन है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मैंने इस तरह का इसका डिज़ाइन बनाया था। अभी हम लोग बीमबार थीम यूज़ करने वाले हैं, इसलिए इस थीम को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग एड न्यू थीम में क्लिक करते हैं। यहाँ पर अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर अपायरेंस थीम सेक्शन में आने के बाद यहाँ पर बहुत सारा थीम आपको मिलेगा, तो हम लोग ये वाला थीम को इंस्टॉल नहीं करने वाले, हम लोग इस थीम को इंस्टॉल करेंगे। इसलिए यहाँ पर अपलोड थीम में क्लिक करेंगे और हमारा जो थीम फाइल है उसको यहाँ पर चूज कर देते हैं। ये हमारा थीम फाइल है और ओपन में क्लिक करके इंस्टॉल नाउ बटन में क्लिक कर देते हैं। हमारा जो थीम है वो अभी यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेगा, हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे, यहाँ पर हमारा जो थीम है वो इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद थीम को हम लोग एक्टिव कर लेंगे। यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो थीम है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। अभी हम लोग इसको एक्टिव करेंगे, तो एक्टिव करने के लिए यहाँ पर एक्टिव बटन में क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं एक्टिव बटन में क्लिक कर देता हूँ और हमारा जो थीम है वो हमारा यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकेंगे और हमारा जो ये डिज़ाइन है ये टोटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा जो थीम है वो यहाँ पर एक्टिव हो चुका है। अभी हम लोग इसको अगर रिलोड करेंगे तो ये टोटली चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो डिज़ाइन है ये आप नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग ये वाला थीम को इंस्टॉल कर लिया है। यहाँ पर देख सकते हो तो ये हमारा थीम है और इस तरह का थीम आ चुका है, ठीक है। तो इसको हम लोग कस्टमाइज करेंगे। सबसे पहले इसका जो डेमो डाटा है वो हम लोग इम्पोर्ट करेंगे। यहाँ पर बहुत सारा डेमो है, यहाँ पर अगर हम लोग डेमो में जाते हैं तो बहुत सारा यहाँ पर डेमो आपको मिलेगा। ये सारा डेमो जो आपको अच्छा लगेगा वो डेमो आप लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो जो डेमो आपको अच्छा लगेगा वो डेमो यहाँ पर इंपोर्ट कर लीजिएगा। तो मैं जो डेमो इंपोर्ट करने वाला हूँ वो है ए वाला, ठीक है। तो ए वाला डेमो को मैं इंपोर्ट करूँगा मेरा वेबसाइट के अंदर। तो इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पर इंस्टॉल बटन में क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर ए वाला जो डेमो है ये हमारा यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए तो थोड़ा सा वेट करना होगा, 1% हो चुका है। अभी यहाँ पर 100% होने के लिए हम लोगों को वेट करना होगा, ठीक है। तो हम लोग वेट करते हैं इसको इंपोर्ट होने में। ओके, हमारा जो डेमो है वो यहाँ पर इंपोर्ट 100% हो चुका है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो अभी अनइंस्टॉल करने का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि ये हमारा सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो इंपोर्ट कंप्लीट सक्सेसफुल। अभी अगर हम लोग हमारा जो वेबसाइट है इसको रिलोड करेंगे तो ये टोटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा हमारा इस डेमो में, ठीक है। तो थोड़ा सा रिलोड करके देखते हैं। तो अभी यहाँ पर देख सकते हो हमारा सारा कुछ यहाँ पर सेटअप हो चुका है और हम लोग ये जो डेमो है इस डेमो में इसको इंपोर्ट कर लिया है। यहाँ पर देख सकते हो नोटिफिकेशन वगैरह आ रहा है। ओके, इस तरह का हमारा हो चुका है। अभी हम लोग अगर कोई भी आर्टिकल को ओपन करना चाहेंगे तो हम लोग ओपन कर सकेंगे, ठीक है। तो इस आर्टिकल को अगर ओपन करना है तो यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। इस आर्टिकल को ओपन करके देखते हैं इसके अंदर डिज़ाइन कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो इस तरह का इसका डिज़ाइन है और यहाँ पर व्यू वगैरह यहाँ पर शो करेगा और यहाँ पर देख सकते हो इस तरह का ऑप्शन है और इस तरह का इसका आर्टिकल का लेंथ वगैरह है। यहाँ पर इस तरह का आर्टिकल दिखाएगा और यहाँ पर देख सकते हो इस तरह का इसका आर्टिकल है। ओके, इस तरह का है, यानी कि हम लोग सक्सेसफुली इसका डेमो डाटा सारा कुछ यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। अभी इसको हम लोग कस्टमाइज वगैरह करेंगे, ठीक है। तो कैसे कस्टमाइज करना है, कस्टमाइज करने के लिए यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, आपका जो प्रीवियस जो थीम है उसको डिलीट कीजिए, उसके रिलेटेड जो भी प्लगइन है वो यहाँ पर डिलीट कीजिए। तो मैं जेनरेट पेस रिलेटेड जो भी यहाँ पर प्लगइन थे उसको हम लोग डिलीट कर देंगे ताकि हमारा जो वेबसाइट है इसके स्पीड थोड़ा सा इंक्रीज हो। तो जो जो प्लगइन हम लोगों को इस डिज़ाइन को लेने के लिए नहीं लगेगा वो प्लगइन हम लोग यहाँ पर अनइंस्टॉल कर देंगे,
क्योंकि इस थीम का भी बहुत सारा प्लगइन यहाँ पर स्थित इंस्टॉल हुआ है, तो जो प्लगइन हम लोगों को नहीं लगेगा वो प्लगइन हम लोग टोटली डिलीट कर देंगे। जैसे कि ये वाला ऐड के लिए प्लगइन ये नहीं लगेगा हम लोगों का, उसके बाद यहाँ पर ये वाला इवेंट मार्केट वाला, उसके बाद ये वाला लगेगा, उसके बाद ये जेनरेट ब्लॉक जेनरेट प्रीमियम ये वाला प्लगइन नहीं लगेगा, उसके बाद मेलचिप का प्लगइन हम लोगों को अभी के लिए नहीं लगेगा क्योंकि हम लोग अभी इसको सेटअप नहीं करने वाले हैं, इसको हम लोग चेक कर देते हैं। और यहाँ पर ये लगेगा, उसके बाद पोस्ट व्यू काउंटर इसको हम लोग डिजेबल कर देंगे यानी कि डिएक्टिव कर देंगे। रैंक मैथ ये लगेगा, उसके बाद रिएक्शन वर्डप्रेस इंपोर्टर इसको अभी नहीं लगेगा क्योंकि हम लोग इम्पोर्ट कर लिया है, और इसको हम लोग यहाँ पर डिएक्टिव कर देते हैं। ठीक है, तो जो जो प्लगइन हम लोग को नहीं चाहिए सारा प्लगइन हम लोग यहाँ से डिएक्टिव कर दिया है। अभी हमारा जो एक्टिव प्लगइन है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, एक्टिव प्लगइन है, और 7 जो प्लगइन है वो इनएक्टिव है यानी कि ये सारा प्लगइन हम लोग को नहीं चाहिए, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर अप्लाई में क्लिक करके सारा प्लगइन को डिलीट कर देते हैं, इस प्लगइन की कोई ज़रूरत हमारा जो वेबसाइट है इसके अंदर अभी के लिए नहीं है। ठीक है, ओके, सारा प्लगइन डिलीट हो चुका है। अभी अगर हम लोग रिलोड करेंगे तो हमारा जो डिज़ाइन है इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आएगा क्योंकि वो प्लगइन हम लोगों को जो साइड है इसका डिज़ाइन में कोई इफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो इस तरह का डिज़ाइन है, तो डिज़ाइन थोड़ा सा हम लोग चेंज वगैरह नहीं करने वाले हैं, जो है ऐसा ही हम लोग रहने देंगे क्योंकि यही डिज़ाइन मुझे अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर फुटर के अंदर बहुत सारा एलिमेंट वगैरह है, ये सारा चीज़ हम लोग रिमूव करेंगे। तो यहाँ पर कस्टमाइज बटन में क्लिक करते हैं और इसको हम लोग कस्टमाइज करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, लोगो वगैरह आप लोग चेंज कर लीजिएगा, आपका जो लोगो है वो चेंज कर लीजिएगा, आपका जो मेनू वगैरह है वो सारा कुछ यहाँ पर आपको देना है। ओके, इस तरह का हो चुका है, हम लोग इसको फिर से रिलोड करेंगे, थोड़ा सा इंटरनेट इशू है इसलिए इस तरह का आ रहा है। ओके, अभी अच्छी तरह से आ चुका है। और यहाँ पर साइट आइडेंटिटी के अंदर यहाँ पर आपका जो लोगो है वो चेंज कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपका जो लोगो है जो आप लोग देना चाहते हो वो लोगो यहाँ पर आप लोग चेंज कर दीजिएगा। ठीक है, तो अभी के लिए मैं लोगो को चेंज नहीं करूँगा, आप लोग कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए तो मेनू चेंज करने के लिए यहाँ पर देखिए तो बहुत सारा मेनू है। यहाँ पर ये वाला मेनू है, मेनू वगैरह को चेंज कीजिए। यहाँ पर जो बिम्बर मेनू है वो भी यहाँ पर चेंज कीजिए, अपने हिसाब से मेनू वगैरह यहाँ पर एड कीजिए अपना कैटेगरी हिसाब से। और यहाँ पर कैटेगरी वगैरह आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये सारा चीज़ें मेनू कैसे कस्टमाइज करते हैं वो आप लोग जानते हो। विजेट के अंदर यहाँ पर देखिए तो होम विजेट के अंदर ये वाला चीज़ें ही यहाँ पर देख सकते हो, कॉल टू एक्शन, इस तरह के एडिट लिंक। ठीक है, तो ये सारा चीज़ें हैं, एडिट लिंक, एडिट पोस्ट, इस तरह का ये दोनों चीज़ यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। उसके बाद लेटेस्ट न्यूज़ के अंदर अगर आप लोग जाते हो तो यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ आपको दिखेगा, तो ये सारा चीज़ें यही रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो ये टेक का ऑप्शन है, अगर आप लोग टेक का ऑप्शन यहाँ पर रहने देना चाहते हो तो दे सकते हो। तो टेक को मैं यहाँ पर नहीं दूंगा, इसको मैं रिमूव कर दूंगा। ठीक है, और ये रिमूव हो जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि ये जो पोस्ट वगैरह है ये स्टिकी रहे, यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँ तो ये जो पोस्ट है स्टिकी रहे, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एड विजेट में क्लिक करेंगे और बिम्बर स्टिकी पॉइंट को हम लोग ऐड करेंगे और इसको हम लोग इसका ऊपर सेटअप कर देंगे ताकि हमारा जो ये वाला पोस्ट है ये स्टिकी रहे। देख सकते हो ये स्टिकी रहेगा। और इसका जो पोस्ट है वो हम लोग इंक्रीज कर देते हैं, यहाँ पर कितना पोस्ट आ रहा है, यहाँ पर 5 पोस्ट आ रहा है, यहाँ पर हम लोग 10 पोस्ट देंगे, यहाँ पर 10 पोस्ट, टॉप 10 पोस्ट यहाँ पर आएगा। ओके, यहाँ पर हमारा जो 10 पोस्ट है वो यहाँ पर आएगा और ये टोटली स्टिकी रहेगा, स्टिकी रहेगा। उसके बाद पब्लिश में क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर जैसे तो फुटर ऑप्शन के अंदर इस तरह का ऑप्शन है। फुटर के अंदर यहाँ पर अगर हम लोग जाते हैं तो क्विक मेनू के अंदर ये जो टेक्स्ट वगैरह है ये हम लोगों को नहीं चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट को रिमूव कर देते हैं, यहाँ से रिमूव कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्विक नेविगेशन के अंदर यही रहेगा, उसके बाद यहाँ पर ये नेविगेशन को रिमूव कर देते हैं, कॉन्टैक्ट यहाँ पर ये सारा चीज़ हम लोगों को नहीं चाहिए। ठीक है, फुटर 1 के अंदर ओके सारा को हम लोग यहाँ पर रिमूव कर दिया है, जस्ट हम लोग क्विक लिंक मेनू ए वाला मेनू इसी को रखेंगे क्योंकि ये अच्छा लगेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम लोग पब्लिश में क्लिक कर देते हैं और फुटर 2 के अंदर अगर हम लोग जाते हैं तो फुटर 2 के अंदर कैटेगोरी है, जस्ट कैटेगोरी है, यही रहेगा। उसके बाद हम लोग जाते हैं फुटर 3 के अंदर, यहाँ पर देख सकते हो इस तरह का
ये एलिमेंट है, इसको भी हम लोग यहाँ पर से रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, इसका हम लोगों को नहीं चाहिए। उसके बाद फुटर फोर के अंदर हम लोग यहाँ पर अगर जाते हैं तो फुटर फोर के अंदर कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो अभी हमारा जो मेनू है वो यहाँ पर अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर अगर हम लोग जाते हैं होम पेज सेटिंग के अंदर, यहाँ पर जैसे तो होम पेज सेटिंग के अंदर यहाँ पर लेटेस्ट पोस्ट दिया हुआ है, यही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर होम के अंदर अगर हम जाते हैं तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर बिफोर मेन कलेक्शन के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं ये सारा चीज़ें हैं, इसको भी नहीं चाहिए। और यहाँ पर मेन कलेक्शन के अंदर ये कलेक्शन हमारा आएगा, और इसका डिज़ाइन आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, इस तरह का डिज़ाइन दिया हुआ है, ये बड़ा डिज़ाइन है। और यहाँ पर कितने पोस्ट पर पेस, यहाँ पर हम लोग 10 पोस्ट देते हैं, यहाँ पर ज़्यादा पोस्ट हम लोग नहीं देने वाले हैं, यहाँ पर 10 पोस्ट आएगा ताकि हमारा जो वेबसाइट है इसका स्पीड ज़्यादा रहे, ठीक है। 1 2 3 ओके, यहाँ पर 10 पोस्ट आएगा। और यहाँ पर देख सकते हो कैटेगरी वगैरह ऐसा सारा कैटेगरी आएगा, और यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, कुछ भी हिडन हम लोग नहीं करने वाले। जस्ट यहाँ पर ये प्लगइन नॉट एक्टिव, ये प्लगइन जो है वो हम लोग यहाँ पर डिजेबल कर देंगे। यहाँ पर हाईलाइट आइटम यहाँ पर नो है, तो अगर यहाँ पर येस कर दोगे तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हाईलाइट होगा। यहाँ पर हाईलाइट आइटम देख सकते हो, इस तरह का आइटम जो है वो हाईलाइट होगा, ठीक है। तो हम लोग अभी के लिए इसको नो कर देते हैं, क्योंकि हम लोग कुछ भी यहाँ पर हाईलाइट नहीं चाहेंगे, ठीक है। उसके बाद न्यूज़ लेटर इसको हाइड कर देते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कोई भी न्यूज़ लेटर प्लगइन यूज़ नहीं करेंगे। और ऐड को भी यहाँ पर हाइड कर देते हैं, ताकि ये यहाँ पर सामने हमारा ना शो हो, यहाँ पर प्रोडक्ट भी हाइड है, ठीक है। उसके बाद पब्लिश में क्लिक कर देते हैं। और अभी अगर हम लोग हमारा जो वेबसाइट है इसको रिलोड करेंगे, यहाँ पर जाते हैं हमारा वेबसाइट के अंदर, तो सारा चीज़ें ये सारा चीज़ें हम लोगों को अभी नहीं दिखेगा। यहाँ पर अगर जाते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो, वो सारा चीज़ हम लोगों को यहाँ पर नहीं दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर लॉट मोर ऑप्शन है, तो यहाँ पर अगर लॉट मोर में क्लिक करता है तो यहाँ पर हमारा जो और भी पोस्ट है वो यहाँ पर लॉट लेगा, और ये वाला चीज़ें हमारा स्टिकी रहेगा, ठीक है। ये वाला चीज़ हमारा स्टिकी रहेगा। और यहाँ पर अगर हम लोग जाते हैं, ओके, इसमें और कुछ भी नहीं करना पेजलेशन के अंदर, यहाँ पर देख सकते हो लॉट मोर, यहाँ पर हम लोग स्क्रॉल में क्लिक करते हैं ताकि लॉट मोर बटन ना आए, ऑटोमेटिक ये पोस्ट आता रहे, ठीक है। रिलोड करके आपको दिखाते हैं, हमारा जो पोस्ट है अभी ऑटोमेटिक आएगा, इसमें आपको लॉट मोर बटन नहीं दिखेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग पेजलेशन यहाँ पर ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर दिया है। और यहाँ पर देख सकते हो ये ऑटोमेटिक लॉट लेगा, ठीक है। तो इसमें कोई भी लॉट मोर बटन नहीं आएगा, ऑटोमेटिक पोस्ट लॉट लेगा, ठीक है। तो इस सिस्टम को हम लोग इनेबल कर दिया है। और यहाँ पर जाते हैं गो बैक में अंदर, और यहाँ पर पोस्ट के अंदर अगर हम लोग जाते हैं तो सिंगल पोस्ट के अंदर इस तरह का ऑप्शन है। तो ये सारा चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा, कैसे डिज़ाइन आप लोग करना चाहते हो, कौन सा टेम्पलेट यूज़ करना चाहते हो आपका सिंगल पेज के अंदर, ये सारा चीज़ें आप लोग खुद ही डिज़ाइन वगैरह कर लीजिएगा। और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर रखना चाहते हो, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कुछ चीज़ें, यहाँ पर अगर वोटिंग सिस्टम को रखना चाहते हो तो रख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो नेक्स्ट पोस्ट का जो ऑप्शन है वो रखना चाहते हो, बटन रखना चाहते हो तो रख सकते हो, ये सारा चीज़ें हैं बेसिकली। तो ये सारा चीज़ें अपने हिसाब से आप लोग कर दीजिएगा। और यहाँ पर देख सकते हो सर्च ऑप्शन है, सर्च ऑप्शन के अंदर यहाँ पर देख सकते हो कैसे सर्च करेगा, ये सारा चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप लोग खुद ही ये सारा चीज़ें देख लीजिएगा। उसके बाद डिज़ाइन के अंदर यहाँ पर आपका जो डिज़ाइन है वो ऑर्गेनिक, यहाँ पर देख सकते हो इस तरह का ऑप्शन है, ये सारा चीज़ें आप लोग खुद ही कर लीजिएगा। बेसिक कुछ डिज़ाइन अगर आप लोग करना चाहते हो तो कर सकते हो, हेडर के अंदर देख सकते हो, ब्लेंडर के अंदर हेडर के अंदर कुछ चीज़ें अगर रखना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पर मेनू वगैरह है, यहाँ पर देख सकते हो ये मेनू है, मेनू को अगर रखना चाहते हो तो रख सकते हो। यहाँ पर देख सकते एट न्यू लिंक, यहाँ पर अगर जाते हो, यहाँ पर क्रिएट बटन के अंदर जाते हो तो यहाँ पर देख सकते एट न्यू लिंक, इस टेक्स्ट को अगर एडिट करना चाहते हो, जैसे कि एट न्यू पोस्ट में यहाँ पर देता हूँ, ओके, यहाँ पर एट न्यू पोस्ट में लगा देता हूँ, और यहाँ पर एट न्यू पोस्ट का ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग जो देने वाले हैं वो यहाँ पर क्रिएट स्टोरी के अंदर अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पोस्ट करने का ऑप्शन आएगा। और यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेनू है, और यहाँ पर अगर आप लोग सर्च आइकॉन यानी कि सर्च बार लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। यहाँ पर मैं सर्च फॉर्म यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, ऐड, ठीक है, यहाँ पर मैं दे देता हूँ, ओके, यहाँ पर मैंने एक सर्च फॉर्म को ऐड कर दिया। यहाँ पर देख सकते हो ये हमारा सर्च फॉर्म है, यहाँ पर अगर कोई भी लोग चाहे तो यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ,
तो यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं सेकेंडरी नेविगेशन के अंदर इस तरह का ऑप्शन है, और यहाँ पर सोशल आइकॉन है, और यहाँ पर स्विचर है, और यहाँ पर सर्च ड्रॉप डाउन मेनू है। तो हम लोग ये सारा चीज़ें नहीं चाहिए ड्रॉप डाउन, जस्ट सोशल आइकॉन यहाँ पर रहेगा और कुछ चीज़ें यहाँ पर नहीं देना है, जस्ट ये चीज़ें रहेगा। उसके बाद मोबाइल के अंदर अगर आप लोग जाते हो तो मोबाइल के अंदर क्या क्या चीज़ें दिखेगा वो सारा चीज़ें यहाँ पर सेटअप कर सकते हो, और यहाँ पर कैनवास में क्या क्या चीज़ें हैं वो सारा चीज़ें आप लोग यहाँ पर कस्टमाइज वगैरह कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर पब्लिश में क्लिक करके आप लोग इसको पब्लिश कर सकते हो। तो अपने हिसाब से आप लोग यहाँ पर आपका जो हेडर है उसको कस्टमाइज कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर फुटर ऑप्शन के अंदर यहाँ पर अगर जाते हो जनरल फुटर, यहाँ पर 4 कॉलम दिया हुआ है, यहाँ पर अगर हम लोग 3 कॉलम चाहते हैं तो यहाँ पर हम लोग 3 कॉलम को देते हैं, क्योंकि हम लोग 3 कॉलम ऐड करेंगे। और यहाँ पर पब्लिश में क्लिक करते हैं और अभी हमारा यहाँ पर 3 कॉलम आ चुका है, यहाँ पर देखिए 3 कॉलम। और यहाँ पर कलर, फुटर का कलर आप लोग चेंज वगैरह कर सकते हो, और यहाँ पर मॉड्यूल क्या क्या चीज़ें यहाँ पर देखना है वो यहाँ पर सेटअप कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। व्हाट इज़ योर रिएक्शन प्लगइन को सेटअप करने के लिए यहाँ पर देख सकते हो, व्हाट इज़ योर रिएक्शन हेडर, तो हेडर के अंदर रिएक्शन देना चाहते हो तो यहाँ पर देख सकते हो, और यहाँ पर शो इंटर रिएक्शन इन कलेक्शन यहाँ पर भी देख सकते हो। उसके बाद शो रिएक्शन सिंगल पोस्ट, रिएक्शन क्या होता है यहाँ पर अगर हम लोग इस पोस्ट को ओपन करेंगे तो इस पोस्ट के अंदर एक रिएक्शन देने का ऑप्शन यहाँ पर आएगा। मैं आपको पोस्ट को ओपन करके दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको मिलेगा वो चीज़ें। यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर देख सकते हो व्हाट इज यू थिंक, तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं, ये रिएक्शन है, तो क्या चीज़ें आप लोग चाहते हो वो यहाँ पर पॉइंट वगैरह ऐड कर सकते हो, ठीक है। यही सारा चीज़ें हैं, तो ज़्यादा कुछ कस्टमाइज हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि ऑटोमेटिकली हमारा जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर हम लोगों को अच्छा लगा है, यहाँ पर जो डिज़ाइन दिया हुआ है ये डिज़ाइन हम लोगों को अच्छा लगा है, और यही डिज़ाइन हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। आई होप इस वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारा जो यूनिक वेबिस क्रिएटर चैनल है इसको सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स।